नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्टी अर्बन नक्सल और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं देवदास आचार्य की कहानी। देवदास आचार्य पर रुणवाल ने इल्जाम लगाया है कि वो उनको डिफेम कर रहे हैं, यानी उनकी मानहानि कर रहे हैं, और ये भी इल्जाम लगाया है पुलिस में कंप्लेंट करके कि वो उनको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, उनसे खंडनी कर रहे हैं। खंडनी किस चीज के लिए? क्योंकि वो अपने 6.7 लाख रुपीस वापस मांग रहे हैं। तो आज मैं ये 6.7 लाख रुपीस का मामला क्या है ये समझाने जा रहा हूं, और आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि हमारे देश के गरीबों पर किस टाइप के क्राइम करते हैं कंपनी वाले, और कंपनी वाले क्राइम भी करते हैं और कहते भी हैं कि इनको बोलना नहीं चाहिए, इनको इनकी आवाज जो है इनको ये आवाज बाहर निकलनी नहीं चाहिए, पब्लिक के कानों पर पड़ने नहीं चाहिए, यानी उनको चुपचाप घर में बैठ के रोना चाहिए अपने पैसे खोकर। तो मैं आपको समझा रहा हूं देवदास आचार्य की कहानी। देवदास आचार्य एक गोल्डस्मिथ है, वो उस टाइप के कारीगर हैं जो अपने झोपड़े में बैठ के सोने के ज्वेल्स पर कारीगरी करते हैं और उनको वेजेस मिलते हैं, कुछ खास बहुत ज्यादा उनकी कमाई नहीं होती है। इस टाइप का कारीगर है देवदास आचार्य, कांजूर मार्ग के एक झोपड़पट्टी में रहता है, लक्ष्मी उद्योग नगर नाम के चौल में रहता है। अब इस इंसान ने सोचा कि भाई चलो थोड़ा सा लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, तो वो गए रुणवाल के सेल्स ऑफिस में, रुणवाल माई सिटी के सेल्स ऑफिस में, और उन्हें बताया गया अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल सेगमेंट का हाउसिंग इन अ टावर कॉल्ड A5। तो A5 के 8वें माले पर उन्होंने एक फ्लैट बुक किया। उस फ्लैट का कीमत था 35 लाख से थोड़ा सा कम, और उन्होंने जो एडवांस दिया, ये मई 2015 की बात है, उन्होंने अमाउंट दिया 54,000 का, और उसके बाद उन्होंने 6.2 लाख रुपीस रुणवाल को दिए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अर्ली 2016 में, करीब करीब फरवरी मार्च 2016 में, देवदास आचार्य को सेल्स ऑफिस में बुलाया जाता है और सेल्स स्टाफ समझाते हैं कि ये जो फ्लैट है इसे कैंसिल कर दिया है, यानी ये टावर को कैंसिल कर दिया है या पोस्टपोन कर दिया है, और उनका जो बुकिंग है उन्हें शिफ्ट करना होगा टू अ डिफरेंट टावर। तो टावर A3 में उनका बुकिंग एडजस्ट किया जा रहा है। अब देवदास आचार्य को एक क्रूशियल पॉइंट पता नहीं था, उन्होंने बताया नहीं, और वो था कि उनका जो पेमेंट डेडलाइन है वो पेमेंट डेडलाइन काफी ज्यादा टाइट होने वाला है। देवदास आचार्य ने A5 में बुकिंग इसलिए किया था क्योंकि पेमेंट डेडलाइन, उसकी जो डिलीवरी डेट थी, उसका जो पोजेशन डेट था, वो सब थोड़ा बाद में था, तो उनके पास वो पैसे जमा होते जाते और वो पे करते जाते, उनके कैलकुलेशंस में ये जो A5 का जो पेमेंट शेड्यूल था वो बैठ रहा था, लेकिन A3 का जो शेड्यूल था वो कुछ और था। देवदास ने ऑलरेडी 6.7 लाख दे दिया था, यानी कि क्लोज टू 20% ऑफ द फ्लैट कंसिडरेशन वैल्यू वो देके बैठे थे, लेकिन अब उनसे डिमांड किया गया कि और 4,85,000 देने हैं, 4,85,000, जो कि वो नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वो थे ही नहीं पैसे। दोस्तों, देवदास जैसे लोगों के लिए ये 6,00,000, 4,00,000 ये रकम बहुत बड़े होते हैं, वैसे आपके और मेरे लिए भी बड़े ही हैं, लेकिन उनके लिए तो उनकी पूरे लाइफ सेविंग होते हैं। तो अगर आपको एक साथ 30,00,000, 40,00,000 देने को आ जाए, आप कैसे दे पाओगे? आप हड़बड़ा जाओगे। इसी तरह से जो लोग चौल्स में रहते हैं उनके लिए 3,00,000, 4,00,000 देना
बहुत मुश्किल पड़ जाता है, वो नहीं दे पाते हैं, वो पूरा उनका जीना हराम हो जाता है इस टाइप के डिमांड से। तो रुनवाल ने डिमांड किया, रिमाइंडर लेटर भेजा कि भाई तुम ये 4.85 लाख जल्दी से दे दो वरना फ्लैट बुकिंग कैंसिल हो जाएगा। और फिर वो नहीं दे पाए तो फ्लैट बुकिंग कैंसिल कर दिया। दोस्तों देवदास है ना एक वो टाइप के शख्स हैं जो बहुत कम बोलते हैं, जो आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, जो झगड़ा नहीं कर सकते हैं, उनको आता ही नहीं है। वो देवदास कन्नड़ा बोलते हैं, जैसे मैं भी कन्नड़ा बोलता, मेरी मातृभाषा कन्नड़ा है, और बहुत कम हिंदी बोलते हैं। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं हिंदी या इंग्लिश में, बहुत कम बोलते हैं। तो वो तो बस देखते रह गए, दंग रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। और सेल्स ऑफिस वालों ने उन्हें कन्विंस कर दिया कि ये तो तुम्हारी गलती है, अब गलती है तो सजा होगी, सजा ये है कि 6.7 लाख फॉरफिट हो गए। दोस्तों बिल्डर को कहां से अथॉरिटी आता है आपको सजा देने का, आप जरा सोचिए। वो एक ये है बिजनेसमैन है, बिल्डर एक बिजनेसमैन है, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है आपको पनिश करने का। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। बिल्डर जानता है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एक कागज का टुकड़ा है, उससे कोई लीगल, उसकी कोई लीगल वैल्यू है ही नहीं। उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं भरा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और उसका वर्डिंग भी ऐसा है, उसके वर्डिंग से पता चलता है कि बिल्डर के तरफ कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। वो एप्लीकेशन फॉर्म बिल्डर के तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं फेंकता है, सारी जिम्मेदारियां आपकी, फ्लैट बायर की। तो देवदास के जो 6.7 लाख रुपीस जब्त हो गए 2016 फरवरी मार्च में एक रिमाइंडर लेटर के थ्रू और एक डिमांड लेटर के थ्रू, वो गैर कानूनी है। वो जो डिमांड था ना 4.87, वो खुद एक अनलॉफुल डिमांड था। क्यों? क्योंकि मोफा कहता है कि 20% से ज्यादा आप ले ही नहीं सकते हो। 6.7 लाख मतलब ऑलमोस्ट 7 लाख, 3.5 लाख का डबल करोगे तो 7 लाख, 35 लाख का फ्लैट था तो भाई हो गया करीब करीब 20-20%। अब उससे ज्यादा क्या लोगे? वो जितना मांग रहे थे उससे 33 लाख हो रहा था, तो सॉरी 33% हो रहा था। ही देवर डिमांडिंग 33% ऑफ द फ्लैट कंसिडरेशन वैल्यू, तो इसने नहीं दिया, उन्होंने फ्लैट जब्त कर लिया, उन्होंने बुकिंग अमाउंट जब्त कर लिया, एंड ऑफ कोर्स फ्लैट तो गया, फ्लैट तो गया। और देवदास और उसके भाई लोकेश, उसका बहुत ही करीब उसको प्रोटेक्ट करने वाला एक भाई है, वो तो दंग रह गए, वो कुछ बोल ही नहीं सके। दोस्तों ये टाइप के क्राइम बहुत होते हैं, लोग समझते नहीं है, और लोग समझते नहीं है कि ये क्राइम है, इसलिए वो पुलिस में जाते नहीं है। और अगर वो पुलिस में गए तो पुलिस कहेंगे भाई ये तो तुमने एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन किया है, एप्लीकेशन फॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपने तो पढ़ा होगा, वो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है कि आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका पूरा अमाउंट जब्त हो जाएगा। तो इन्होंने करीब करीब 20% फ्लैट का वैल्यू जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो ये है देवदास आचार्य की कहानी। इसमें क्राइम्स क्या है, मैं क्राइम कहता हूं, इसमें क्राइम क्या है? तो क्राइम पहली बात यह है कि रुणवाल ने जब ऑलरेडी 20% करीब करीब ले लिया था, तो वापस उन्होंने जब 4.85 मांगा, मतलब करीब करीब 33% तक पहुंच जाते थे, तो ये एक अनलॉफुल डिमांड था। ये मोफा एक्ट अलाउ करता है उससे कई ज्यादा लेने का काम था, वो अनलॉफुल डिमांड था, एक्सटॉर्शनेट डिमांड था। एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन क्या है? खंडनी। खंडनी क्या है? खंडनी मतलब तुम अगर कुछ ऐसा, मैं जो चाहता हूं उतना अमाउंट नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा भारी नुकसान कर दूंगा, ये इसको कहते हैं खंडनी। तो तुम अगर मुझे 4.85 लाख नहीं दोगे अभी 7 दिनों में, विद इन 7 डेज,
तो मैं तुम्हारे दिए हुए 6.7 लाख फॉरफिट कर दूंगा, तुम्हारा अमाउंट जीरो हो जाएगा, तुम्हारा बैलेंस जीरो हो जाएगा। ये क्या है? ये क्राइम है। कंपनी को कोई अथॉरिटी नहीं है, रुणवाल के पास कोई अथॉरिटी नहीं है ऐसे सब काम करने का, लेकिन वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में बैठाया गया है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म के जो शर्त हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपके ऊपर लागू होते हैं, और उसी उसी कॉशीट और टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी लिखा हुआ है कि बिल्डर के ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, वो फ्लैट जब चाहे बेच सकता है, वो फ्लैट आपसे पूछे बिना बेच सकता है। आप सिर्फ एक याचिका कर रहे हो, एक रिक्वेस्ट कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा कि प्लीज मुझे ये फ्लैट अलॉट करो, बिल्डर के ऊपर कोई बंधन नहीं है। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के वर्डिंग्स आप ध्यान से पढ़िए। बिल्डर आपके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लागू नहीं कर रहा है, आप अपने खुद के ऊपर वो टर्म्स एंड कंडीशंस लागू कर रहे हो, यानी हथकड़ी आप खुद अपने हाथों से पहन रहे हो, और उस हथकड़ी में जो चाबी है वो आप ही घुमा रहे हो और वो बिल्डर को दे रहे हो। इस टाइप के वर्डिंग्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट है, ये फ्रॉड्यूलेंट है, ये फ्रॉड करने के लिए बनाए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी एक अलग गुनाह होता है। तो खंडनी, एक्सटॉर्शन, फ्रॉड्यूलेंट डॉक्यूमेंट बना के आपसे साइन करवा के लेना एक अलग गुनाह है। मोफा सेक्शन 4 यानी कि 20% से ज्यादा अमाउंट लेना, ये एक अलग गुनाह है। और आपने जो अमाउंट दिए हैं एज एडवांस या टोकन टुवर्ड्स द फ्लैट, ये टोकन वो जब्त करने वाला टोकन नहीं है भाई, आप एडवांस अमाउंट दे रहे हो फ्लैट के तरफ। ये एडवांस अमाउंट को जब रुणवाल ने अपने लिए डाइवर्ट कर लिया कि भाई ये अब मेरी कंपनी की संपत्ति हो गई, मेरा वेल्थ हो गया, मेरा धन हो गया, और अब मैं तुम्हें कोई हिसाब किताब नहीं दूंगा, तो इसे कहते हैं माय दोस्तों मिसअप्रोप्रिएशन कहते हैं, और एक नाम भी है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि भरोसे को तोड़ना। आप जब पैसे देते हो, एडवांस देते हो, भरोसा है, भरोसे पे देते हो आप बिल्डर को, भरोसे पे देते हो आप उनके कंपनी को, और इनकी कंपनी आपके भरोसे को तोड़ती है, ये भरोसे को तोड़ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक अलग गुनाह है। और ये सारे गुनाह, ये बाय द वे मिसअप्रोप्रिएशन का एक और भी गुनाह है मोफा में, यानी इंडियन पिनल कोड में भी गुनाह है और मोफा में भी गुनाह है, और मोफा में जो गुनाह है उसमें 5 साल की सजा है। इंडियन पेनल कोड में गुना जो है उसका पता नहीं कितना कितने साल की सजा है, लेकिन ये सारे जो क्राइम्स को एक साथ ले लोगे ना, तो कम से कम रुणवाल के सुभाष सुबोध और संदीप रुणवाल को कम से कम 10 साल की तो सजा हो ही जानी चाहिए, और साथ में उनके जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों को भी सजा हो जाने चाहिए। यानी होराइजन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के जो होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर भी लीगल लायबिलिटीज हैं, उनको सजा होनी चाहिए। और ये टाइप, ये मैंने एक देवदास आचार्य की कहानी सुनाई, पता नहीं इस टाइप के कितने लोग हैं जिन्होंने 2014, 15, 16 पता नहीं कौन से साल में इन लोगों को पैसे दे दिए और भूल भी गए और उन्होंने छोड़ भी दिया। उन्होंने मन में सोचा होगा ये हमारी गलती थी, ये हमने ठीक से पढ़ा नहीं, हम पैसे नहीं दे पाए, ये हमारी ही गलती थी, हमें बिल्डर ने सजा दी तो भाई ठीक है, ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस में आता है। इस तरह से लोग सोचते हैं और इस तरह से भरोसे पे लोग बिल्डर के ऊपर फिर भी भरोसे बनाए रखते हैं कि नहीं नहीं वो तो अच्छा बिल्डर है, अब हमारी कमजोरी है तो हम क्या करें। भाई तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये बिल्डर ने चाल चला है। और ये बात मैं सभी लोगों को समझाना चाहता हूं, जिसके अमाउंट फॉरफिट हुए हैं, जब्त हुए हैं, भले वो 25,000 के हो या भले वो 25 लाख के हो या उससे भी कहीं ज्यादा हो, और कोई भी साल में गया हो, चाहे वो 2012 के साल में जब्त हुआ हो, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, एक्सटॉर्शन,
ये टाइप के क्राइम्स और मोफा के क्राइम्स लागू होते हैं, मोफा सेक्शन 4 और मोफा सेक्शन 5 लागू होते हैं ये टाइप के क्राइम्स में, ये टाइप के अपराध में। मैं चाहता हूं कि पुलिस नोट करे, पुलिस इस बात को सुने और समझे। कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकारा है, कई बार फटकारा है, रिप्रिमांड किया है कि तुम लोग बिल्डर्स पे एक्शन नहीं लेते हो, कि तुम लोग बिल्डर्स पे एफआईआर नहीं करते हो, चार्जशीट नहीं करते हो। हालांकि केस बनता है, कायदे कानून क्लियर हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस क्लियर हैं, उसके बावजूद पुलिस कहती है नहीं नहीं ये तो सिविल मैटर है, आप जाइए रेरा में जाइए, आप सिविल कोर्ट में जाइए। बेशर्मी के साथ पुलिस मना कर देते हैं, केस नहीं करते, एफआईआर नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि पुलिस ध्यान से सुने, बहुत सारे गरीब लोगों की हाय लग रही है तुम लोगों को, ऐसा काम मत करो। बिल्डरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये टाइप से वो जो काम करते हैं, कई सारे लोगों के लाइफ सेविंग्स के साथ वो खेल रहे हैं, करोड़ों अब्जों रुपया कमा रहे हैं हर साल, बिल्डिंग बेचने से नहीं, मकान बेचने से नहीं, फ्लैट्स बेचने से नहीं, वो कमा रहे हैं इस तरह से फॉरफिट करने से। पता नहीं कितने करोड़ या कितने 100 करोड़ वो कमा रहे हैं, मैं एस्टिमेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि उनसे हरेक रुपए का हिसाब लेना चाहिए और उन्हें हरेक गरीब के पैसे लौटाने पड़ेंगे। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण देवर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान और जय गरीब।